भारतीय युवाओं ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी दबंगई दिखाई, विराट कोहली की वर्ल्ड कप से विदाई कराई। तो यहां पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो तीन मैचों की T20 श्रृंखला थी उसको 1-1 से बराबर कर दिया और इस पूरे श्रृंखला में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने अपनी दबंगई दिखाई और दूसरे मुकाबले में तो क्या ही कहने, क्या लाजवाब शानदार जानदार धमाकेदार प्रदर्शन आया इन युवा खिलाड़ियों का। पहले बल्लेबाजी में सभी युवा खिलाड़ियों ने दिल जीता युवा बल्लेबाजों ने, तो फिर गेंदबाजी में क्या ही कहने, क्या गेंदबाजी रही। चाहे हम अर्शदीप सिंह की बात कर लें, मुकेश कुमार की बात कर लें, मोहम्मद सिराज की बात करें और फिर बर्थडे बॉय कुलदीप यादव जिन्होंने पंजा खोल दिया कल के मुकाबले में। तो एक बेहतरीन इस श्रृंखला में इन युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन आया और दोनों मुकाबलों में प्रदर्शन आया। पिछले मुकाबले में हार मिली थी लेकिन वो परिस्थितियों के कारण हार मिली थी, भारतीय टीम के प्रदर्शन के कारण हार नहीं मिला था। और दूसरे मुकाबले में जब दोनों पारियों में परिस्थितियां समान थी तो आपने देखा कि दोनों टीमों में क्या अंतर है। लेकिन इस श्रृंखला के बाद भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप के समीकरण में बड़े बदलाव आ गए और जो विराट कोहली की न्यूज आप सुन रहे थे काफी दिनों से कि विराट कोहली का क्या होगा वर्ल्ड कप में, विराट कोहली बाहर हो जाएंगे क्या, तो इस प्रदर्शन ने इन युवा खिलाड़ियों के उस बात में दम भर दिया है, उस बात में जोर भर दिया है कि भैया विराट कोहली की विदाई लगभग वर्ल्ड कप से तय है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि आपको मैं समझाने वाला हूं, वो समीकरण तीन बताने वाला हूं जिसके कारण अब लगभग विराट कोहली की विदाई वर्ल्ड कप से तय है और वो क्यों तय है वो आपको इस वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है भारतीय टीम का वर्ल्ड कप के लिए संभावित 11, कौन से 11 लड़ाके वर्ल्ड कप 2024 में जोर आजमाइश करते हुए दिखेंगे, तो और ये भी समझेंगे कि उसमें विराट कोहली का क्या जगह है, कहां पर वह खेल सकते हैं और अगर बाहर जाएंगे तो क्यों वो बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए पहले भारतीय टीम के वर्ल्ड कप पर नजर डाल लेते हैं कि जो प्रोबेबल 11 होने वाला है वर्ल्ड कप के लिए वो क्या होने वाला है, वो आपके स्क्रीन पर आ गया। और ये जो प्रोबेबल 11 होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 1-2 बदलाव होते हुए दिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। या तो आपको यही संभावित 11 वर्ल्ड कप 2024 के शुरुआती मुकाबलों में खेलते हुए दिखेगा, कब, जब सभी खिलाड़ी फिट रहेंगे। तो अगर हम ओपनर की बात करें तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये जो पोजीशन है ये नंबर 3 का पोजीशन है, इसको अभी छोड़ दीजिए आप। नंबर 4 पे आते हैं सूर्य कुमार यादव, 5 पे हार्दिक पांड्या। तो यहां तक तो आपको डाउट नहीं है कि ईशान किशन वर्सेस विराट कोहली का जंग है। फिर 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे दीपक चहर, 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे जसप्रीत बुमराह और 11 पे मुकेश कुमार। और मैंने नंबर 3 पे ईशान किशन को रखा है, क्यों रखा है वही समीकरण समझेंगे। और ये जब समीकरण आपको समझ में आ जाएगा तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि अब विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप के 11 में जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है और बहुत ही जोर आजमाइश करनी होगी उनको आईपीएल में। इतना धमाकेदार, इतना जानदार प्रदर्शन उनको आईपीएल में करके दिखाना होगा कि विवश हो जाए भारतीय टीम ये अपना कॉम्बिनेशन बदलने में और तब जाकर इनको जगह मिलेगी, नहीं तो अभी के प्रदर्शन पे तो भैया विराट कोहली की विदाई तय है। अब आइए देख लेते हैं, यहां पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो हैं ईशान किशन। तो आप समझ ले सकते हैं कि अगर विराट कोहली को खिलाना होगा तो हमें एक विकेट कीपर बल्लेबाज को कहीं ना कहीं अपने इस प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना होगा, जिसके कारण किसी न किसी एक बल्लेबाज की सेक्रीफाइस देनी होगी। वो कौन सा बल्लेबाज होगा ये बहुत कठिन हो जाएगा। वो कठिन क्यों होगा, पहले समीकरण की बात करते हैं तो भारतीय टीम चाहती क्या है। भारतीय टीम मैनेजमेंट का साफ संकेत है कि भैया हम रिंकू सिंह से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, रिंकू सिंह को बतौर फिनिशर खिलाना चाहते हैं। ये पहला समीकरण है कि भारतीय टीम बतौर फिनिशर रिंकू सिंह को टीम में खिलाना चाहती है, यानी रिंकू सिंह ने इतना प्रभावित कर दिया है और सबसे खास बात कि उन्होंने प्रदर्शन दिया है बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने रन बनाए हैं। आपको अगर सेकेंड T20 मुकाबला याद होगा तो भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी, कंडीशंस काफी ही बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं थे, उसके बावजूद शुरुआती छड़ों में पहली गेंदें खेली, फिर उसके बाद जब उनकी आंखें जमी तो उसके बाद खूब
पिटाई की, चौके और छक्कों की भरमार लगा दी। और सबसे खास बात कि छक्के एट विल मारते हैं, तीन तीन छक्के, चार चार छक्के एक एक ओवर में, तो उनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहता है। तो अब आप प्लेइंग 11 पर नजर डालिए, अगर आप रिंकू सिंह के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो यहां पर ओपनिंग स्लॉट में आप ईशान किशन को एडजस्ट कर सकते हैं, अगर विराट कोहली को खिलाना है तो। रिंकू सिंह अगर रहेंगे तो नंबर 6 पे खेलेंगे, इनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो इनका स्थान फिक्स रख रहे हैं। तो आपको विराट कोहली, अरे ईशान किशन को नंबर ओपनिंग खिलाना होगा, फिर ईशान किशन को अगर आप ओपन करा रहे हो तो यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल का सैक्रिफाइस करना होगा, वहां पे भारतीय टीम तैयार नहीं है। भारतीय टीम यशस्वी या शुभमन गिल के साथ ओपन करना चाहती है। और सबसे खास बात कि जो प्रदर्शन यशस्वी ने दिया है, जो निडरता यशस्वी ने दिखाई है, जिस निर्भीक क्रिकेट यशस्वी ने जिस निर्भीक तरीके से क्रिकेट खेला है, उससे यह साफ संदेश दे दिया है कि मैं रोहित शर्मा के साथ ओपन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। शुभमन गिल आप अपना सोच लीजिए। तो वहां पे खुद ही जंग है, वहां पे आपको यशस्वी दिख रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ दिख रहे हैं, आपको शुभमन गिल दिख रहे हैं। तो ईशान किशन का पत्ता तो ओपनिंग स्लॉट से पहले ही कट चुका है, अब उनको कहां एडजस्ट किया जा सकता है, नंबर 3 पे। उसके अलावा सूर्या का जगह वो खा नहीं सकते, हार्दिक को हटाया नहीं जा सकता। रिंकू सिंह बतौर फिनिशर तैयार है, तैनात है, चुस्त है, तंदुरुस्त है, और अपना रोल वो आज मतलब जो रोल उनको दिया गया है उस रोल को अदा करते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण ईशान किशन का एक ही स्लॉट पे जगह बनता है, वो है नंबर 3 पर विराट कोहली। यानी कि स्ट्राइक रेट की वजह से विराट कोहली का पत्ता नहीं कट रहा, विराट कोहली का पत्ता इसलिए कट रहा है कि भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन है उसमें विराट कोहली की जगह नहीं बन पा रही। अब आते हैं दूसरे कारण पे। आप कहेंगे कि भैया एक ही कारण कैसे, तो ओपनर के तौर पे ईशान किशन की जगह नहीं बन पा रही है टीम में, क्योंकि वहां पे खुद ही जंग है, वहां पे खुद ही काफी होड़ मची हुई है, वहां पे यशस्वी हैं, ऋतुराज हैं, शुभमन गिल हैं, जिस कारण ईशान किशन बतौर ओपनर टीम में सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। अब देखिए ईशान किशन के रहने से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भारतीय टीम आसानी से बना सकती है, यानी कि यहां पे अगर यशस्वी खेले, रोहित शर्मा खेले, तो लेफ्ट और राइट का रिंकू सिंह भी आ जाएंगे बीच में, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखेगा और भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी विपक्षी टीम के प्लानिंग को थोड़ा सा डगमगाने में। तो ईशान किशन के रहने से लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी मजबूत हो रहा है। एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन चाहिए, वो नंबर 3 पे ईशान किशन दे सकते हैं, और ओपनर के तौर पे तो ईशान किशन को खिलाया नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे बहुत होड़ मचा हुआ है। तो नंबर 3 का ही एक स्पॉट है जिसके लिए ईशान किशन तैयार दिख रहे हैं और वहां खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं, और रिंकू सिंह के साथ कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती भारतीय टीम, रिंकू सिंह को बतौर फिनिशर खिलाना चाहती है। तो ये जो 3 समीकरण आपके सामने मैंने रखे हैं, और भारतीय टीम का ये जो प्रोबेबल 11 है, आप खुद देखकर बता सकते हैं कि इस प्रोबेबल 11 में न आप रोहित का जगह खा सकते हैं, न यशस्वी का, क्योंकि ओपनर के तौर पे तो यशस्वी, ऋतुराज, शुभमन गिल, तीन तीन ओपनर हमारे पास तैयार है, तो उसमें से कोई ना कोई एक खेलेगा ही। फिर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह ने जो प्रदर्शन किया, साफ संकेत टीम मैनेजमेंट से आ गए कि रिंकू सिंह बतौर फिनिशर खेलेंगे, और उन्होंने प्रदर्शन भी कर दिया है। तो आप खुद समझ कर, इतने समझदार हैं, आपको पता चल गया होगा इन तीनों समीकरण से कि भैया विराट कोहली की जगह अब बहुत ही कठिन हो चुकी है इस टीम में, और यहां पर जगह बनाना मतलब विराट कोहली को खिलाना एक तरीके से ये होगा कि अपने सेटल्ड कॉम्बिनेशन के साथ बहुत छेड़छाड़ कर देना और एक अनसेटल्ड टीम के साथ वर्ल्ड कप में उतरना, वो न राहुल द्रविड़ चाहेंगे न रोहित शर्मा चाहेंगे। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भैया विराट कोहली कैसे इस टीम में जगह बना पा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इनकी अब विदाई हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ उनको आईपीएल बचा सकता है। आईपीएल के दम पे अगर वो 1000 रन बना देते हैं आईपीएल में, तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर विराट कोहली के लिए भाई समीकरण बदल सकते हैं, विराट कोहली के लिए कॉम्बिनेशन बदले जा सकते हैं, लेकिन उनको आईपीएल में बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करनी होगी। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा कि भैया विराट कोहली खेलने चाहिए कि नहीं खेलने चाहिए वर्ल्ड कप में। मिलते हैं अपने अगली रिपोर्ट में, इसी तरीके की क्रिकेट से जुड़ी आपके लिए हम बातें लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।